हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल विद इन। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके कमेंट्स और इसके रिलेटेड रिक्वेस्ट बहुत सारी आई थी, स्पेशली मेरे जो वाउ स्किन साइंस के जो शैम्पूज के मैंने रिव्यू किए हैं मेरी चैनल पे, उसमें लोगों ने कहा था कि मैम प्लीज़ हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी वाला जो शैम्पू है उसका रिव्यू करें। सो यस, आज का वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। सो ये प्रोडक्ट मैंने बाय किया और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है, एंड आई हैव लाइक सीन द रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो आज फुल ऑन रिव्यू मैं करने वाली हूँ इस शैम्पू के बारे में। सो मैं आपको पहले पैकेजिंग बता दूँ तो ये आता है इस तरह के बॉक्स में जिस पे लिखा है वाउ स्किन साइंस हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू। एंड ये फ्रेंड्स, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो अंदर आपको पैकेजिंग कुछ इस तरह से मिलती है जैसे आपको वाउ स्किन साइंस के दूसरे शैम्पूज जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किए हैं, अगर आपको वो भी देखने हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 शैम्पूज के रिव्यूज किए हैं मेरी चैनल पे। सो ये वाला आपको मिलता है वाउ स्किन साइंस का शैम्पू 300 ml की इस तरह की पैकेजिंग में, जो बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है, और इसकी प्राइस है 499 rupees। इसकी परचेस लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, नाइका, सब जगह पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सो लिंक्स मैं प्रोवाइड कर लूंगी। नाउ इस शैम्पू का मेन जो नाम है आपको पता है, इसका नाम है हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू। सो हेयर लॉस की जो दिक्कत होती है फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड आज का वीडियो है, और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो। ठीक है, तो इस शैम्पू के बारे में पहले बात कर ले, फिर टिप्स के बारे में मैं आगे बात करूंगी। सो ये जो शैम्पू है ये क्या क्लेम करता है, ये क्लेम करता है कि ये रिड्यूस करता है हेयर लॉस, इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ और इम्प्रूव करता है अपनी हेयर की वॉल्यूम को। सो अगर आपको थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आपको एक बूस्ट चाहिए वॉल्यूम में और हेयर ग्रोथ भी करना है, तो आप ये शैम्पू को डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी ये शैम्पू उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, शैम्पू करने से मैं आपको कहूंगी कि आपकी 50% ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। लेकिन अगर जो टिप्स मैं आपको आगे देने वाली हूँ, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो, आपके बालों का ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर आपका हेयर लॉस कंटिन्यू ही रहेगा, शैम्पू ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। ये मुझे एक बात कहनी है मेरे इस वीडियो में। सो अगर आप केयर करते हो, अच्छा जो भी मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ वो सब आप करते हो, उसके साथ अगर आप ये शैम्पू यूज करोगे तो आप डेफिनेटली रिजल्ट देखोगे। सो मैं आपको बता दूं कि ये शैम्पू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। बहुत ही अच्छी बात इस शैम्पू की है जो ये वर्क करता है हमारे हेयर ग्रोथ की तरफ और हमारे हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, हेयर फॉल को कैसे प्रिवेंट करता है, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले ये जो वाउ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कम्प्लीटली पैराबिन फ्री, सिलिकॉन्स फ्री, एंड इसमें कोई भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रीडियंट्स नहीं है, सल्फेट फ्री होते हैं और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री भी होते हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा प्राइसी होता है, 499 rupees इसकी प्राइस है। एंड ऑल्सो कह दूं कि जो DHT ब्लॉकर्स है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या है ये DHT ब्लॉकर्स। सो फ्रेंड्स, DHT एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में। सो अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो है ये जो वाउ स्किन साइंस के जो शैम्पूज हैं उसमें DHT ब्लॉकर्स होते हैं, तो इस हार्मोन को स्टॉप कर देते हैं। DHT क्या है मैं यहाँ पे दे दूंगी, दैट इज डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। या इट इज डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन होता है। अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस, गंजेपन की भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये हार्मोन आपका सिक्रीट होता है तो। सो ये शैम्पू में DHT ब्लॉकर्स है, एंड इवन जो मैंने पहले के जो शैम्पूज रिव्यू किए हैं उसमें भी DHT ब्लॉकर्स है। सो वाउ स्किन साइंस के शैम्पू में आपको ये मिल जाता है, सो आपको डेफिनेटली फर्क देखने मिलता है। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बताऊं। इसमें पहली बात तो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने नाम सुना होगा भृंगराज, आंवला, नीम, ये सारे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे यू नो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो चीजें हैं आयुर्वेदिक हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ, इसमें है भृंगराज, तो जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ हर्ब्स। देन यू हैव आंवला इंटू इट, यू हैव नीम इंटू इट, हैना है और मेथी है। तो ये सारा का जो इंग्रेडिएंट है, अगर आप कोई ऑयल भी यूज करते हो उसमें भी हम डालते हैं ताकि हमारे यू नो हेयर ग्रोथ बूस्ट हो, हमारे जल्दी से बाल वाइट ना हो, ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारे एक्स्ट्रैक्ट्स इस शैम्पू में डाले गए हैं जो मुझे काफी अच्छा लगा, और लेमन भी है, सो डैंड्रफ की इशू अगर है तो वो भी चली जाएगी, जिसको डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड ऑल्सो इसके अंदर वेस्टर्न हर्बल एक्स्ट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं, जैसे है बायोटिन, रोजमेरी, सॉ पैलमेटो एंड नियासिन। सो इसका जो इफेक्ट है
बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन देता है ये शैम्पू। ठीक है, सो इसके बारे में ये जो चीज़ें थी मुझे आपको बतानी थी वो है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स इसको यूज़ करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप आपके कमेंट्स लिख सकते हो। मैं इसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरीज है मैं आपको बता दूंगी, सॉर्ट आउट कर दूंगी। एंड यू हैव पीएच बैलेंस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, बहुत बारी क्या होता है ना कि हमारे जो स्कैल्प की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, तो आपको वो देखना होगा कि आपका स्कैल्प कैसा है, आपका स्कैल्प का टाइप कैसा है। सो अब मैं शुरुआत करती हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसको आपको यूज करना है। बॉटल के इस पैकेट के पीछे भी लिखा है और कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊंगी कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं या फिर किस तरह से इसको रोक सकते हैं। शैम्पू तो आप यूज करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ये टिप्स भी जरूर फॉलो करें। चलो मैं बताती हूँ कौन से टिप्स है। फ्रेंड, सबसे पहला टिप, आपको शैम्पू ज्यादा यूज नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली शैम्पू ना करें अपने बालों को, क्योंकि नेचुरल ऑयल जो हमारे स्कैल्प के और हमारे बालों के होते वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। सो आपको हफ्ते में दो बार ही शैम्पू करना, या फिर आपको जब रिक्वायरमेंट हो तभी आप शैम्पू करें, ज्यादा फ्रीक्वेंटली शैम्पू ना करें। टिप, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बालों को गीला करके शैम्पू को लेते हैं पाम में और फिर अपने गीले बालों में लगाते हैं, बट नहीं। वाओ स्किन साइंस का कोई भी शैम्पू या नेचुरल शैम्पू आप लेते हो तो आपको बालों को गीला करके वो ल्यूकवॉर्म वाटर से आप बालों को गीला करें, एंड देन यू टेक अ पंप ऑफ दिस शैम्पू और उसमें आपको वाटर डाइल्यूट करना है। आपको डायरेक्टली अनडाइल्यूटेड शैम्पू अपने बालों में नहीं लगाना है दोस्तों। आपको जो शैम्पू आपने लिया है उसमें पानी के दो तीन ड्रॉप्स डाल के उसको डाइल्यूट करके फिर आपको स्कैल्प में मसाज करना है। वाओ स्किन साइंस या जो हर्बल शैम्पूज या फिर जो नेचुरल शैम्पूज होते हैं वो ज्यादा फोम नहीं करते। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू लेते हो जैसे ये वाला है, इसमें झाग नहीं बनता है, फोम नहीं बनता है, बट ये आपके बालों को क्लीन करता है, आपके बालों का डर्ट स्कैल्प पे जो जमा कचरा है वो साफ करता है। जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो ये क्लेम करता है, वो सब कुछ होगा। आप ये मत सोचे कि फोम नहीं हो रहा तो मेरे बाल क्लीन नहीं हुए, तो आपको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है शैम्पू को। थ्री, अगर आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई है तो आपको एक हॉट ऑयल मसाज करना ही है आपके बालों को शैम्पू से पहले, तब आप देखेंगे कि आपका स्कैल्प ड्राई नहीं रहेगा। और फ्रीक्वेंटली कंडीशनिंग भी करा करें अपने बालों को। आपका स्कैल्प बहुत ही ज्यादा ऑयली है और एक्सेस सेबम क्रिएट करता है, ग्रीसी है आपका स्कैल्प, तो आपको क्या करना है, शैम्पू करने से पहले अपने बालों को ब्रश कर लेना है ताकि जो भी स्टिकी चीजें ऑयली स्कैल्प की वजह से डर्ट और ग्राइम स्टिक हो गया है वो ब्रश आउट कर लो, उसके बाद आप शैम्पू करें। एंड ऑल्सो जब शैम्पू करें तो लाइट हाथों से आपको आपके शैम्पू को अंदर आपके स्कैल्प पे मसाज करना है। बहुत ही ज्यादा लाइट स्ट्रोक करें, बहुत ही ज्यादा घिसे ना, या फिर आप बहुत ज्यादा घिसेंगे तो बहुत ज्यादा सेबम प्रोडक्शन होगा और ऑयली स्कैल्प और ज्यादा आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आप जब शैम्पू करें तो आप देखिए कि बहुत लाइट स्ट्रोक से ही आप अपने स्कैल्प को मसाज करें व्हेन यू आर डूइंग द शैम्पूइंग। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स, मैं हर बार अपने सब्सक्राइबर्स को कहती हूँ कि ज्यादा हीट ट्रीटमेंट्स, कलरिंग और ज्यादा खेलो मत अपने बालों से। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है इतना सादा, तो कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ये सब ज्यादा हीट ट्रीटमेंट्स ना करें अपने बालों के साथ। ज्यादा टैम्परिंग मत करें अपने बालों को, जैसे हैं वैसे रहने दें, तो आप देखेंगे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। देन फ्रेंड्स, बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि शैम्पू का जो रेसिड्यू है आप बराबर से रिंस नहीं करते हो, तो फिर आपको फ्लेकी डैंड्रफ के इश्यूज हो जाएंगे, स्कैल्प इची सा फील होगा। सो जब आप शैम्पू करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बालों में से पूरा जो शैम्पू है वो अच्छी तरह से निकल गया और रिंस आप बराबर से करें। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब हम नहा के निकलते हैं तो जो टाल्स हम यूज करते हैं वो माइक्रोफाइबर टाल्स यूज करें, ज्यादा सुपर एब्जॉर्बेंट पावर हो, सो वो वाले टाइप के टाल्स यूज करें तो आपके बाल कम टूटेंगे, तो हेयर फॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको वहां पे भी आपको देखना है कि जब आप बालों को झटकते हैं नहाने के बाद वो ना करें। तो आपकी अगर लूज है, आपका जो स्कैल्प है वो जल्दी से बालों को छोड़ देता है, तो आप झटके ना बालों को टाल से और माइक्रोफाइबर वाला टाल यूज करें, सुपर एब्जॉर्बेंट वाला, सिर्फ आपको ड्रेप करना है, आपके बाल सूख जाएंगे। सो वो चीजों का जरा ध्यान रखें। सोने के टाइम पे फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि रात का ऐसा टाइम है जब आप सोते हो तब के ज्यादा बाल गिर जाते हैं, तो आप अगर आपके बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं तो चोटियां बना के या फिर एक पोनीटेल लेके या ऐसे खुले बालों के साथ ना सोए। अगर आप सो भी रहे हैं तो आप, अगर आप खुले बालों की हैबिट है आपको सोने की, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक सैटिन पिलो कवर ले, क्योंकि उसमें बाल कम टूटते हैं। सो सैटिन पिलो कवर विल बी बेटर फॉर इट, एंड देन टू आई विल स्ट्रांगली से कि आप पोनीटेल या प्लेट्स लेकर ही सोए। ये भी लिखा है कि जो सैटिन पिलो केस अगर आप लेते हैं इंस्टेड ऑफ कॉटन, तो ये अपने बालों के जो नेचुरल ऑयल्स को रिटेन करता है एंड मॉइस्चर भी रिटेन करता है हमारे बालों का, तो आपको वो ड्राई फ्रीजी से जो बाल लगते हैं ना वो इसकी वजह से भी हो सकते हैं अगर आप कॉटन के पिलो पे सो रहे हैं। तो सैटिन का पिलो इस्तेमाल करें तो यू विल हैव दैट सॉफ्टनेस एंड नेचुरल ऑयल्स एंड मॉइस्चर जो होगा उससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और लश्चरस दिखेंगे आपको। एंड द लास्ट डिफरेंस इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेना है एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी
और बालों की कंडीशन भी अगर आपको हेल्दी रखनी है तो प्लीज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, प्रोटेक्ट हेयर एंड स्कैल्प फ्रॉम द यूवी रेज डैमेज. सो आई वुड रिकमेंड कि नहाने के बाद तो मैं अपने बालों में सेरम लगाती हूँ जो है उसके अंदर सनस्क्रीन लाइक सन प्रोटेक्शन वाला भी है, तो मैं स्ट्रीक्स का यूज करती हूँ. सो नहाने के बाद जो सेमी घीले बाल होते हैं उस पर आपको सेरम लगाना है जिसमें सनस्क्रीन प्रोटेक्शन हो या सन का जो प्रोटेक्शन हो यूवी रेज प्रोटेक्शन वाले ही आप यूज करें, तो ज्यादा जल्दी आपके बाल व्हाइट भी नहीं होंगे, बाल टूटेंगे भी नहीं सन के डैमेज से. सो और पोल्यूशन से भी आपको प्रोटेक्ट करना है. और हार्ड वाटर अगर है तो विद राइट हेयर केयर एंड हेल्दी हेयर हैबिट्स आपको यूज करने हैं. सो फ्रेंड्स, ये था फुल रिव्यू अबाउट द हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी वाउ स्किन साइंस का. आई होप आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो. अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. फ्रेंड्स, शैम्पू यूज करना, ऑयल यूज करना, ये एक हद तक हमें हेल्प करता है, डेफिनेटली हमको हेल्प करता है. चूजिंग अ राइट शैम्पू फॉर योर हेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन साथ ही में अगर आप देख रहे हो कि ये सारी प्रॉब्लम है और रेमेडी ढूंढ रहे हो तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना एंड यू विल सी द इफेक्ट. आपके बालों में हेयर ग्रोथ भी दिखेगा, हेयर लश्चरियस वॉल्यूमिनस हो जाएंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा. सो यस फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही. एंड यस, सारी डिटेल सब कुछ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना. मेरे सोशल लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो, सारी लिंक्स वहाँ पे हैं. एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ. आई होप मज़ा आया हो. अगर मज़ा आया और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिस नहीं करने हैं तो आपको मेरी फैमिली में जुड़ना होगा. नीचे है सब्सक्राइब, एब्सोल्युटली फ्री है, उसे क्लिक कर दो. और साथ ही में छोटी सी बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूले. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन आप अपना ध्यान रखें और हमेशा हंसते रहिए.